अभ्ययायुक्तो मम संतोष कारणम। मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज का जो विषय है, भगवान शिव जी की पूजा हम सभी करते हैं इसी कामना से कि भोले बाबा जी विशेष कृपा हम सभी पे करेंगे और हम सभी के कष्टों को दुख को हर लेंगे। आइए जानते हैं ऐसा क्या कारण है कि यह जो केतकी का फूल है ये भोले बाबा जी के पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों सुंदर होने के बाद भी, सुगंधित होने के बाद भी और मनोहारी होने के बाद भी, यहाँ तक कि सफ़ेद रंग का होने के बाद भी भोलेनाथ जी के पूजा में इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि जब पृथ्वी अंधकार में डूबा हुआ था, पूरा जगत अंधकार में डूबा हुआ था, तब स्वयंभू श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ और उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई जिसमें पंचमुखी ब्रह्म ध्यान मग्न हुए। पांच मुख वाले थे ब्रह्म। दोनों को स्वयं के प्रागट्य का कारण ज्ञात ही नहीं था, किंतु वे उस जगत में सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। इसी कारण दोनों स्वयं को बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बताने लगे। मैं पहले आया हूँ। ऐसे ही बात आने लगी। उनका विवाद बढ़ता ही जा रहा था कि उन्हीं के मध्य एक अनंत अग्नि लिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो कोई भी इनका ओर और छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ है। ये सुनकर ब्रह्म हंस के ऊपर में बैठे और विष्णु वाराह के ऊपर में बैठे और उस अग्नि लिंग के नीचे की ओर छोर पता करने चले। ये सुनकर ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर और विष्णु वाराह के रूप में अग्नि लिंग के नीचे उनका छोर पता करने चले। भगवान विष्णु 1000 वर्षों तक निरंतर उस अग्निलिंग के नीचे जाते रहे आधार ढूंढने के लिए, किंतु उनका आधार जड़ उनको मिला ही नहीं। अंत में निराश होकर वो वापस आए। उसी स्थान पर जब आए तो ब्रह्मा भी ऊपर की ओर जाते जाते थक गए थे और वापस वह भी अपने स्थान पर आए। मार्ग में उन्हें यही एक केतकी का फूल मिला जो ब्रह्म का अति तेजस्वी रूप देखकर उनका भक्त हो गया था और उन्हें कहा कि ब्रह्मदेव मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब ब्रह्म और विष्णु मिले तो भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि वे उस अग्निलिंग का छोर नहीं ढूंढ पाए, किंतु ब्रह्म ने असत्य कहा कि उन्होंने अग्निलिंग का ऊपरी छोर ढूंढ लिया है। इस पर नारायण बड़े चकित हुए और उनसे उनका प्रमाण मांगा। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि ये केतकी का पुष्प उन्हें इस अग्निलिंग के अंतिम छोर पर मिला है। केतकी पुष्प तो पहले ही परम पिता का भक्त था, अतः उसने भी झूठ ही कह दिया कि इस ब्रह्मदेव ने इसे इस अग्निलिंग के छोर पर ही पाया है। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को स्वयं से श्रेष्ठ मान लिया और उनकी पूजा करने को उद्यत हुए। उसी समय वो महान अग्निलिंग सीमित होकर सदा शिव के तेज में बदल गया। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय हो। सदा शिव ने ब्रह्मदेव को उनकी असत्यता पर बहुत धिक्कारा। उन्होंने दंड स्वरूप ब्रह्मदेव का पांचवा सिर काट दिया और नारायण को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। चूंकि केतकी के पुष्प ने भी झूठा भाषण दिया था, झूठ बोला था, इसलिए उसे महादेव ने अपनी पूजा में निषिद्ध घोषित कर दिया। बोला गया कि केतकी के पुष्प की जो भी पूजा करेगा वो भोलेनाथ जी उन पर कृपा नहीं करेंगे। इसके बाद महादेव ने दोनों को पुनः तपस्या करने की आज्ञा दी और अंतर ध्यान हो गया। अनंत समय तक दोनों के तप करने के कारण सदाशिव ने ब्रह्मदेव को सृष्टि की रचना और नारायण को सृष्टि के पालन का दायित्व दिया। फिर स्वयं अपने अंश से शिव को प्रकट कर उन्हें सृष्टि के संहार का कार्य प्रदान किया। तो ये थी कथा। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा इसको अवश्य बताएं। साथ ही आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले अंक में धर्म कथा के माध्यम से। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। राम राम। जय सियाराम।